वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं सैयद नजर हसन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर चीज पर यू। अपने चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो आज बहुत ही मजे की डिश बनने जा रही है और डिश का नाम है एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। आपका नाम सुन के आपको मुंह में पानी आ जाएगा कि यार चिकन मंचूरियन बड़ी जबरदस्त स्पाइसी चीज बनेगी। एग फ्राइड राइस आपको बना के दिखाएंगे। आप लोगों ने बाजार से खाई होगी एग फ्राइड राइस, घर में बनाए होंगे, कुछ को बनाने का तरीका नहीं पता। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप लोग एग फ्राइड राइस कैसे बनानी है, क्या क्या चीज डालनी है और चिकन मंचूरियन कैसे बनाने हैं। इसके दो तीन फायदे हैं, साथ साथ वीडियो में आपको बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, बटन दबा दें। सब्सक्राइब कर देंगे आपको कुछ मिल जाएगा, एक बटन दबाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मेरी वीडियो होगी आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलती रहेगी। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, रेसिपी की तरफ जाते हैं। चले जी आपको रेसिपी की तरफ लेकर चलते हैं। जो चीज़ें हमने चावलों में इस्तेमाल करनी है वो सबसे पहले आपने दो गाजरें लेनी है, उसको इस तरीके से आप लोगों ने कटिंग कर लेने, छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। और एक अदर शिमला मिर्च है आप लोगों ने इस तरह उसको क्रश कर लेना है। ये बंद गोभी है उसको भी आप लोगों ने एक बाउल बंद गोभी का बना लें, क्रश कर लें। ये मटर है आप अपनी तबीयत के मुताबिक अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं ज़्यादा ले लें और कम यूज़ करना चाहते हैं कम ले लें। मटर आप लोगों ने बॉयल कर लेने, पहले से हमने बॉयल मटर लिए हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक गंडा प्याज का लेना है मीट वाला और आप लोगों ने तीन अंडे लेने हैं। आप लोगों ने चावल लेने हैं, एक किलो चावल है। हम गिलास के हिसाब से भी बनाते हैं, हमारे ये तीन गिलास हैं जो पीने वाले गिलास होते हैं, तीन गिलास चावल हमने लिए हैं। आप अगर आपके पास स्केल है तो किलो चावल आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये जी हमारी मंचूरियन जो हमने बनाना है उसी के लिए चीज़ें मौजूद हैं, ये उसकी रेसिपी आपको बताऊँगा, क्वान्टिटी आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप लोगों ने आधा किलो चिकन बोनलेस ले लेना है, इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने प्याज लेना है, एक गंडा प्याज का ले लेना है और एक पीस आपने शिमला मिर्च की ले लेनी है। लेके आप लोगों ने इस तरीके से इसको सॉस के लिए काट लेना है। उसके बाद आप लोगों ने तीन चम्मच मैदे के लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने चिली सॉस लेना है तीन चम्मच। तीन चम्मच आप लोगों ने सोया सॉस के लेने हैं। तीन चम्मच आपने सिरके के लेने हैं। तीन ही चम्मच आप लोगों ने केचप के लेने। केचप आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, चिली केचप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने तीन चम्मच कॉर्नफ्लावर के लेने हैं। तीन चम्मच हमारे लहसुन का पेस्ट होगा, आप लोग इसको कूट लें या फिर ग्राइंड कर लें। तो जी ये तमाम तर हमारे इन्ग्रीडियंट्स थे चिकन मंचूरियन के लिए, इन्ग्रीडियंट्स थे। आप लोग लाजमी इसको नोट डाउन कर लें और देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये चिकन मंचूरियन के लिए और ये हमारे राइस के लिए हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं बनाना। जी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक बाउल ले लेना है, ठीक है। उसमें आपने जो चिकन होगा आधा किलो चिकन बोनलेस वो आपने इसमें डाल लेना है। हमने सबसे पहले मंचूरियन तैयार करने, उसके लिए मटेरियल तैयार हो रहा है। और उसके बाद तीन चम्मच मैदे के थे हमने जो छोटे बाउल में डाले हुए थे वो आपने इसमें डाल लेने हैं। एक चम्मच आपने काली मिर्च का डाल देना है इसमें, ठीक है। और इसके बाद एक चम्मच आपने नमक का ऐड कर देना है। और आप लोगों ने इसके बाद एक अदद अंडा डाल देना है, ठीक है। हमने तीन एग्स लिए थे, एक एग इसमें इस्तेमाल होगा और बाकी दो एग जो हैं वो राइस में यूज़ होंगे, फ्राइड राइस जो बनाते हैं। क्योंकि बेसिकली इसका नाम एग फ्राइड राइस है तो अंडे का होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। आप देसी अंडा लें, वलायती लें, जो मर्जी अंडा लें, अंडा होना बहुत ज़रूरी है। इसको देखिए आप लोगों ने इस तरह सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये मैरिनेटेड हो जाए अच्छे तरीके से। चलिए जी आप लोगों ने एक फ्राई पैन ले लेना, ठीक है। और हल्की आंच पे आप लोगों ने ऑयल या घी यूज़ कर लें, जो भी आपको बेहतर लगता है। तो हमने घी यूज़ किया है और हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। इसमें आप हल्की आंच पे आप लोगों ने ऑयल बहुत आप लोगों ने ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्की आंच में आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये छोटे छोटे पीसेस आप लोगों ने बिल्कुल जो किए होंगे ना बोनलेस के आप लोगों ने इसमें डाल लेने हैं और इसको आप लोगों ने हल्की आँच पर फ्राई करना है। हल्की आँच पर इसलिए कि तेज़ आँच होगी, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बिल्कुल ये जल जाएगा। ये देखें जी कुछ ऐसी इसकी लुक आएगी। पीसेज आप लोगों ने छोटे छोटे ले लेने हैं और कोशिश करें कि अगर पीस साथ जुड़ भी जाए इनको अलग अलग कर दें किसी भी चम्मच से ना, और बड़े मज़े की चीज़ बनने वाली है। मेरा दिल कर रहा है जल्दी चीज़ बन जाए और मैं खाऊँ उसको जल्दी से। आपको पता है एंड पे मैंने खाना होता है, टेस्ट तो करना होता है चीज़ को। ले जी चिकन फ्राई हो चुका है, ठीक है। और ये हमने पहले एक प्लेट पहले निकाल ली है और ये भी निकाल लेंगे। इसको एक किसी बर्तन में डाल लेंगे और फिर हम एक और फ्राई पैन लेंगे, उसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। ऑयल को डाल के आपने हल्का से उसको गरम कर लेना है। ऑयल जब गरम हो जाए तो आप लोगों ने इसमें जो लहसुन का हमने पेस्ट बनाया हुआ था वो डाल लेना है
और लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा इसको हल्का सा भून लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च और प्याज, आप लोग अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे ना शिमला मिर्च प्याज की, तो बहुत अच्छी लुक भी आएगी, टेस्ट तो डेफिनेटली आएगा जैसे भी हुई, लेकिन उसकी लुक अच्छी आएगी। ये डाल के आपने इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल हल्का रखना है। जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद आप लोगों ने सोया सॉस इसमें डाल देना है। 3 चम्मच हमने इसमें ऑलरेडी डाले हुए थे छोटे बाउल में, डाल के आपने साथ मिक्स करते रहना है। फिर आप लोगों ने सिरका डाल देना है, 3 चम्मच सिरके के होंगे। उसके बाद आप लोगों ने चिली सॉस डाल देना है इसके अंदर, और उसके बाद केचप आप लोगों ने डालना है, गार्लिक केचप हो, चिली केचप हो, या सिंपल हो, जो भी वो आप लोगों ने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर देना है। ये सब कुछ डाल के आपने आधा गिलास पानी का डाल देना है, और आँच बिल्कुल आप लोगों ने स्लो कर देनी है, और इसको पकने के लिए रख देना है। एक गिलास पानी के बाद जब तक पानी पकने लगता है इसमें हम बाकी मसाला जो डालेंगे। आप लोगों ने इसमें आधा चम्मच नमक का डालना है, हसबे जायका हसबे ज़रूरत आप लोग डाल लें, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको कम लगे। और उसके बाद आप लोगों ने 1 चम्मच आपने शुगर का ऐड करना है इसके अंदर, उसके 2 चम्मच आपने इसमें काली मिर्च के डाल लेने हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो पानी है मसाले वाला पकना शुरू हो चुका है। इसके बाद आप लोगों ने 3 चम्मच जो कॉर्नफ्लोर के हमने लिए थे वो उसमें आपने पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से आपने मैश भी करना है और मिक्स कर देना है। मिक्स करके हम इसी मटेरियल के अंदर डाल देंगे इसको, कॉर्नफ्लोर के वाले पानी को। ये जी पानी पकना शुरू हो चुका है। ठीक है, आप लोगों ने जो कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के मिक्स किया था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है। अब हम इसके ऊपर चिकन का जो हमने पीसेस फ्राई किए थे वो डाल के और थोड़ा सा आप लोगों ने इसको मिक्स करना है और ऊपर ढक्कन दे देना है। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ले जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा मंचूरियन रेडी हो चुका है। आप चेक करें क्या फ्लफी टेस्ट, कितने मज़े का टेस्ट आ रहा है। वाह, मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी बन जाए और मैं इसको खाऊँ। अभी एक देश का ले लेना है और उसके अंदर आप लोगों ने ऑयल डाल लेना है और हल्का से इसको गर्म करने के लिए रख देना है। फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। जैसे ऑयल हल्का सा गर्म होने लगे आप लोगों ने इसके अंदर प्याज डाल देना है, और प्याज को आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करना है। आपने ब्राउन होने से पहले आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेना है ताकि प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन हो गया तो चावलों की लुक नहीं बनेगी। इसको ब्राउन ना हो इसलिए हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। जब 5 मिनट के लिए आप कुक कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करनी है, गाजर ऐड करनी है, इसके अंदर बॉयल मटर, मटर याद रहे आप लोगों ने बॉयल डालने हैं, दूसरे ना डालिएगा, बॉयल मटर डालने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने बंद गोभी आपने जो क्रश की हुई थी वो आपने एक बाउल इसके अंदर डाल देना है। डाल के इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जी आप लोगों ने इसको 5 मिनट तक इसको कुक करना है, और उसके बाद आप लोगों ने पानी के 6 गिलास डालने हैं। अब अंदाज़ा ये था कि हमने 3 गिलास चावलों के लिए थे और उसके हिसाब से डबल पानी डाला हमने, और पानी डाल के आप लोगों ने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और कुछ देर कुक करने के लिए रख देना है। इसको 6 गिलास पानी के डालने के बाद आप लोगों ने हसबे जायका नमक ऐड कर लेना है, आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने 3 चम्मच काली मिर्च के ऐड कर देने हैं। ठीक है, हसबे जायका। आप लोगों ने जो 2 एग्स हमारे रह गए थे, 1 एग हमने मंचूरियन में इस्तेमाल कर लिया था, और 2 अंडे आप लोगों ने एक बाउल में डाल के आपने उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है, और जब हमारा पानी पकने लगेगा उसके अंदर आप लोगों ने ये 2 अंडे मैश हुए डाल देने। ये जी पानी पकना शुरू हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने जो अंडे फेंटे थे वो आप लोगों ने इसके अंदर डाल देने हैं। अंडे डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। आपने ये याद रहे कि डाल के आपने छोड़ना नहीं है, साथ साथ मिक्स लाजमी करते रहना है। क्या मज़े की लुक आ रही है, पानी साथ साथ पक भी रहा है, और अंडा डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने जो चावल होंगे 1 केजी चावल या 3 गिलास चावल वो आपने इसी के अंदर डाल देने हैं। डाल के इसको तब तक कुक करना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। ले जी पानी चावलों का ड्राई हो चुका है, और देखें कितने मज़े की लुक दे रहा है। जब पानी ड्राई हो जाए हल्की आंच करके इसको दम पे लगा देना है। आप लोगों ने नीचे आप लोगों ने कोई भी तवा रख लेना है। तवा इसलिए रखते होते हैं कि चावल आपके साथ देश के से लगे ना, और आप लोगों ने 15 मिनट के लिए इसको दम पर रख देना है। जी दम हो चुका है, और इसको भी हम थोड़ा सा चेक करने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। देखें जी बहुत ही मज़े की लुक बन रही है, बहुत ही प्यारी चीज़ बनी है, खाएंगे तो और मज़ीद मज़ा आएगा। ये जी भी हम इसको डिश आउट करेंगे, आप चेक करें कितने मज़े का टेस्ट आ रहा है।
देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ। वाह, और इसके ऊपर जब मंचूरियन डलेगी साइड पे या ऊपर, उसका अलग ही मज़ा होगा। अब हम इसके साथ मंचूरियन डालेंगे। आप चेक करें, बिल्कुल जो प्रोफेशनल स्टाइल है उसी स्टाइल से हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। आप लोगों ने यकीनन बाज़ार से तो खाए होंगे, आप एक दफ़ा ये खा के देख ले। ले जी, हमने प्लेट में डाल ली चीज़ें, ठीक है, और अब हम आपको खा के दिखाएंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट लग रहा है। ये बेसिकली चिकन मंचूरियन है और ये एग फ्राइड राइस है, और हम इसको मंचूरियन को ऊपर डाल के ऐसे मिक्स करेंगे और ऐसे खाएंगे। यकीन आपको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, बनाएंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। लिटरली बहुत कमाल का टेस्ट आ रहा है इसका। मंचूरियन का अपना टेस्ट है, चावलों का अपना टेस्ट है। आप लोग एक बार घर बनाएंगे, आप लोग बाहर की मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बोल जाएंगे। बहुत ही मजे की चीज है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी लाइट भी जा चुकी है, लाइट चलेगी, शायद कह रहे लाइट चली गई है, ये ऊपर भी मेरे साथ होता है, यहाँ पर भी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।